I think Muralidharan is the only guy who disturbs and bothers me a lot in the dressing room. पाकिस्तान से बंदे जितने भी आते हैं नॉर्मल नहीं होते, सारे एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं. इंडिया की जो हिस्टोरिक लैंड्स है ना, मैं वो बड़ा मिस करता हूँ. रोहित शर्मा, बाबर आजम ये होते ना हमारे खिलाफ खेलते थे, फिर बताते हैं. मैं लगता मैं किसी को सुनता हूँ. बारों के काम 10 साल में सारे पूरे हो गए. Hi. Hi, Shuib. Hello. Hi. Hi. हो गया है, आगे चलो. सर कैसा लग रहा है वापस से आपको खेल के लेजेंड्स लीग? हमें तो बहुत मजा है आपको बॉलिंग करते देख के. आपको कैसा लगा फाइनली कंपटीशन? तुम लोग गए, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया. बहुत तकलीफ में यार, घुटना मेरा बहुत दर्द कर रहा है. रन अप भी छोटा हुआ है, बट आई थिंक एनर्जी तो सेम ही थी. एनर्जी तो ऐसी ही रहती है, लेकिन मतलब प्रॉब्लम इज दैट यू नो आई हैव टन्स ऑफ swelling on my right knee and try to play the last game final if we reach to the finals. वही पूछना था कि आप सबसे ज़्यादा किसके against खेल के वापस से आपको अच्छा लगा? I think Muralidharan is the only guy who disturbs and bothers me a lot in the dressing room. क्यों सर, क्या किया उसने? उन्होंने आपके बोलता बहुत है. What talks about is the money. And my accounts and what I have been up to and what I'm going to be up to. He's a great guy. Great fun. ये surprising लग रहा है थोड़ा कि मुरलीधरन बहुत बात करते हैं ground पे, तो मतलब वो थोड़े shy से लगते हैं कि हाँ बहुत silent. Ground में shy से लगता है, वैसे नहीं है बिल्कुल. सर ये ऐसा होता है कि लाइक जो दिखते हैं ग्राउंड में एकदम ऐसे सीरियस है, वो एक्चुअली ड्रेसिंग रूम में सबसे मजेदार होते हैं और बातें ज्यादा करते हैं. I'm the most liveliest one in the dressing room. You know, my image is on the field is very, very aggressive and the one that you know you should be stay away from. Yeah. And I'm the most liveliest guy in the dressing room. Pakistan se bande jitne bhi aate hain normal nahi hote, sare extraordinary. सर इतने टाइम बाद अब आप फील्ड पर आए हैं, तो किस प्लेयर की फिटनेस को देख के आपको लगा है कि यार कुछ भी नहीं बदला, ये तो अभी भी पहले जैसा ही है? यूसुफ पठान. ये पहले स्टिफ हुआ था, आज तक स्टिफ है. और किसकी किसको देख के आपके लगा कि फिटनेस कम हो गया एकदम? सारों के काम 10 साल में सारे पूरे हो गए. फिटेस्ट है ना, फिटेस्ट हर्षल गिब्स है और जॉन्टी रोड है, वो अभी भी सुपर फिट है. A good bunch of people. मजा आया सारे साथ में. सारे is a very relaxed माहौल है और अच्छा है दूसरे के साथ भी, gelling in very well. इंडिया का कुछ बताएं आप, इंडिया में आपका फेवरेट क्या है? आप काफी टाइम से आए ही नहीं है, तो क्या मिस कर रहे हैं आप सबसे ज्यादा? इंडिया यार, इंडिया की जो हिस्टोरिक लैंड्स है ना, मैं वो बड़ा मिस करता हूँ. और जितने हिस्टोरिक जगह है ना, तो वहाँ पे जाना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बड़ा एक्सप्लोर करता हूँ. इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री, ट्रैवलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है. आई थिंक आप लोगों ने इतना ट्रैवल नहीं किया हुआ हिंदुस्तान में, उतना मैंने किया. हिमाचल प्रदेश से लेके उत्तराखंड तक, उत्तराखंड से लेके मैं साउथ से लेके नॉर्थ तक, नॉर्थ से लेके कर्नाटका से लेके महाराष्ट्र तक मैंने बहुत घूमा. सर आप बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरी फेवरेट बेस्ट मूवी फेवरेट शराबी. अगर आपके ऊपर बॉलीवुड की कोई बायोपिक बने जैसे, तो आप किसको चाहेंगे? मतलब कौन रोल प्ले करे, कौन सा हीरो आपकी बायोपिक में? किसकी तरह लगता हूँ, किस तरह दिखता हूँ, मेरी हालत किसकी तरह है? वही कह रहे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, वो कर सकते हैं. उनको करना इज लेटर पार्ट ऑफ माय लाइफ, उनको करना चाहिए. और बाकी हम आपके हैं कौन, दिलवा दुल्हनिया ले जाएंगे और रंगीला, शिवदीन शाह साहब, नवाजुद्दीन साहब, राजकुमार राव की मुझे चलती है, खुराना की बहुत चलती है. He is amazing, this guy. And I'm constantly in touch with Sonu Nigam. मुझे उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, उनसे बात भी करता रहता हूँ, उनसे मिलता भी रहता हूँ. मिलन सुमन, अगेन माय फेवरेट मिलन सुमन. बट रिसेंट टाइम्स में मैंने जो मूवी बहुत ज्यादा दफा देखी है, मैं सारे दोस्तों को दिखाई तकरीबन 120 दफा, बाहुबली. अभी जो एक्टिव प्लेयर्स हैं उनके साथ खेलने में आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस प्लेयर के साथ खेलने में बहुत मजा आया होगा? यार मैं समझता था, मैंने अभी भी रवि भाई के साथ इंटरव्यू किया, उनके साथ मुझे लगा हाँ रोहित शर्मा, बाबर आजम ये होते ना हमारे खिलाफ खेलते थे, फिर बताते मजा आता.
सर आप फिनोमिनल क्रिकेटर हैं ये तो सब जानते ही हैं, बट अगर आप क्रिकेटर ना होते तो आप क्या बनते लाइफ में इसके अलावा? मैं कुछ भी ना होता लेकिन सुपरस्टार जरूर होता, मैं मूवीज कर रहा होता, गाने गा रहा होता, मैं कुछ भी होता, मेरे जैसे एनर्जी वाले बंदे का ना कुछ तो करना ही था। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँ, द की टू माय सक्सेस इज टू आई जस्ट गेट माय हार्ट वेरी क्लीन फॉर एवरीबॉडी एंड एवरीबॉडी। हमारे बड़े सारे हीरो रहे जिनकी तरह हमें बाल लंबे रखने थे बट वो स्ट्रिक्टली कटवा दिए जाते थे, तो आपने ये जब आप इंडिपेंडेंट हो गए तब बाल बढ़ाए या हमेशा से आपका था ये? तुम्हें तो लगता मैं किसी को सुनता हूँ? मैंने हमेशा बड़े बाल रखे, हमेशा बड़े जो दिल किया वो किया है जिंदगी में। मैं गलत काम को गलत समझता हूँ, मैं गलत काम को गलत समझता हूँ, यहाँ तो दुनिया गलत काम को गलत भी नहीं समझती, तो मैंने हमेशा ठीक चीज की तो अपनी मर्जी की, अपने जो दिल ने चाहा वो किया और जो भी किया वो दिल से किया, और आज जिंदा रहा, आज खाया, आज पिया, आज हंसा, बाकी कल क्या होगा अल्लाह को पता है। That's all my suggestion. Love you. Thank you, sir. Thank you for your time. Thank you so much. Love you.